हेलो हेलो ओके नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में आकाश एक्सप्रेस सुबह दस बजे आप सभी के समक्ष हाजिर हो चुकी है चलिए सवार हो जाइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी प्रीवियस सेशंस में डाइस यानी कि पासे का पार्ट वन पढ़ा था जिसमें हमने डासे की सॉरी डासे कह रहा हूं डाइस की डाइस प्लस पासा इज इक्वल टू डासा क्या बात है एक नया शब्द निकल के आ गया डाइस प्लस पासा यानी कि डासा दोस्तों तो हम लोग ने डासे की पिछली क्लास में कुछ बेहतरीन सी टेक्निक्स कुछ ट्रिक्स और उसके कॉन्सेप्ट देखे थे आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे प्लस आज हम लोग ओपन डाइस यानी कि ओपन पासा भी पढ़ने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल सबसे पहले आप सभी को पता होगा दोस्तों ये अपनी और भी क्लासेस चल रही है यूट्यूब पर द रीजनिंग द द मैथ और साइंस आप सभी लोग पढ़ सकते हैं अगर आपको मिक्स मॉक टेस्ट करना है तो इस क्लास में जरूर जुड़िए यहां पर आपकी एक पूरी तैयारी हो जाएगी ठीक है बाकी एक्सप्रेस क्लासेस अपनी सुबह चली रही है आप इसको देखते हैं और एप्लीकेशन पर अगर कोई नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइएगा यहां पर दोस्तों इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बैचेस या फिर कंप्लीट बैच में जुड़ने के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं यहां पर क्विक ट्रिक्स बाय वाइजर एप्लीकेशन पर ठीक है और ये अपना टेलीग्राम चैनल है जहां पर पीडीएफ वगैरह सारी कुछ आपको शेयर कर दी जा रही है चलिए भाई जितने लोग भी तैयार हैं वो सभी लोग दोस्तों मुझे बढ़िया सा एक मैसेज मार देंगे कि हम तैयार हैं यानी कि रेडी हैं तो हम भी रेडी हो जाते हैं ठीक है चलिए शुरू करें चलो भाई शुरू करते हैं दोस्तों हमने अभी प्रीवियस क्लासेस में डाइस पासे का ये भी देखा कि भाई पासा किस तरह का शेप होता है इसमें क्या सारी चीजें होती है सब हमने पढ़ा जनरल पासा क्या होता है स्टैंडर्ड पासा क्या होता है ये भी हमने पढ़ा इसके बाद दोस्तों हमने रूल नंबर वन पढ़ा फिर से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो उसको रूल नंबर वन के बाद हमने रूल नंबर टू पढ़ा ये भी आपको पता है फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए और हम जाकर रुके थे दोस्तों इस गोल्डन रूल पर और गोल्डन रूल क्या था गोल्डन रूल ये था कि दोस्तों दो विपरीत संख्या ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छुप सकती हैं क्योंकि अगर कोई भी संख्या विपरीत है तो दोस्तों ना तो वो एक साथ कभी साथ में दिखेंगे क्योंकि साथ में दिख गई तो विपरीत नहीं हो सकती और ना ही कभी वो एक साथ छुप सकती है यानी कि अगर सामने तीन जो सतह होती है उस पर नहीं दिख रही है तो फिर इसका मतलब वो पीछे छुपी हुई है और दोनों अगर एक साथ पीछे छुप गई तो वो भी एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकती क्योंकि पीछे वाली जो सतह होती है वो भी एक दूसरे के बगल में होती है उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर कर लिए थे ठीक है तो दोस्तों जहां तक मुझे याद है कि हम इस क्वेश्चन पर थे और हमने इसको आराम से कर लिया था मैंने आपसे पूछा था कि बताइए इस पासे का अगर एक तीसरा व्यू हमें मिले तो वो किस प्रकार का दिखेगा और उसका आंसर हमारे पास आया था ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये वाला क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो दोस्तों कॉमन क्या है तीन और छह तीन और छह रूल नंबर टू के हिसाब से जो भी कॉमन होते हैं उसको छोड़कर जो भी बचता है वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होता है तो दो का विपरीत हमेशा एक हो जाएगा और दो का विपरीत हमेशा एक हो जाने के बावजूद दोस्तों यहां पर अगर, अगर, अगर आप देखोगे तो एक और दो सामने है तो ये कभी भी विपरीत नहीं हो सकते यहां पर एक और दो दोनों ही छुपे हुए हैं पीछे की साइड तो अगर ये विपरीत है तो पीछे छुप नहीं सकते और दोस्तों यहां पर भी दो और एक नहीं है अब नहीं है तो इसका मतलब पीछे है और पीछे है तो वो बगल में है ना कि विपरीत तो करेक्ट आंसर केवल बनेगा डी यहां पर दो आपको अगर सामने दिखेगा तो फिर एक पीछे जाएगा और इसके बाद आप शुरू करते हैं आज का सेशन आज हम लोग दोस्तों इसके कुछ और क्वेश्चंस भी निपटाएंगे प्लस आज मैं कोशिश करूंगा कि आपका ओपन डाइस यानी कि ओपन पासा भी निपटा दो पूरा का पूरा ठीक है चलिए स्टार्ट करें चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चलो आ जाओ तो ये दोस्तों आज का प्रश्न है फटाफट पड़ से आप इसको पढ़िए और देखिए क्या आप इसको लगा सकते हो बताइए दोस्तों छे के विपरीत कौन सा नंबर आएगा छ के विपरीत कौन सा नंबर आएगा बताइए जल्दी के विपरीत कौन सा नंबर आएगा चलो भाई देखते हैं दोस्तों यहां पर अगर मुझे छे के विपरीत नंबर निकालना है तो आप मुझे बताइए दोनों में कौन सा रूल लगेगा रूल वन या रूल टू या कुछ और ही आपको लग रहा है इसके अंदर क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे काफी लोग यार इसमें रूल वन लगाए कि रूल टू लगाए क्यों क्योंकि दोस्तों ना तो इसमें कोई एक नंबर कॉमन दिख रहा है मुझको कोई नंबर कॉमन है ना तो एक कॉमन है ना कोई दो नंबर कॉमन है तो जहां तक भाई मैं समझ पा रहा हूं और आप भी समझ पा रहे होंगे कि इसमें ना तो रूल वन लग सकता है और ना ही इसमें रूल टू लग सकता है बोलो हा या ना ना तो रूल वन लग सकता है ना तो रूल टू लग सकता है और दोस्तों अगर इसमें रूल वन रूल टू लगेगा नहीं तो हम छे का विपरीत बताएंगे कैसे तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं दोस्तों छे का विपरीत बताने के लिए कि कैसे हम छे का विपरीत बता सकते हैं अगर हमारे पास रूल वन या रूल टू नहीं है देखिए तो दो तरीके हैं दोस्तों पहले देखो फिर आगे और देखते हैं सबसे पहले यह बताओ छे का विपरीत क्या होगा इसके बजाय अगर हम ऐसे सोचे इस क्वेश्चन में जब भी कभी रूल वन एंड रूल टू फॉलो नहीं कर रहा है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं दोस्तों तो का विपरीत क्या होगा हमें चलो नहीं पता चल रहा बट छे का विपरीत कौन नहीं हो सकता ये तो पता चल सकता है कैसे मुझे बताइए छे अगर दो के बगल में बैठा है छे अगर एक के बगल में बैठा है तो क्या कभी भी छे का विपरीत एक या दो में से कोई हो सकता है नहीं हो सकता है इसका मतलब छे का दोस्तों विपरीत ना तो कभी एक हो सकता है और ना तो कभी दो हो सकता है तो फिर दोस्तों का विपरीत कौन हो सकता है तो छे का विपरीत या तो तीन हो सकता है या तो चार हो सकता है या तो पांच हो सकता है यानी कि इन तीन में से कोई ना कोई एक हो सकता है आप मानते हो मेरी बात अब जरा आप ऑप्शन देखिए दोस्तों अगर छे का विपरीत एक और दो कभी नहीं हो सकता तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता आंसर कभी नहीं हो सकता और एक या दो में से भी कोई नहीं होगा तो बचा क्या हमारे पास तीन या चार तो करेक्ट आंसर इसका सी लग जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन ही कर सकते हैं आगे बात सुन सबको क्लियर हो गया तो ध्यान रखना जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन में फंसो जहां पर रूल वन या रूल टू नहीं लग रहा है तो हम ऐसे सोचेंगे कि भाई जिस भी नंबर का विपरीत हमसे पूछा है तो ये पहले देख लो कि उस नंबर के विपरीत कौन नहीं हो सकता और उस नंबर के विपरीत हमेशा दोस्तों उसके बगल में बैठे हुए नंबर नहीं हो सकते क्योंकि वो बगल में बैठे हैं तो बगल वाले विपरीत होंगे नहीं लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि आपका जो एग्जामिनर है वो थोड़ा और भी शातर निकला जिसको कहते हैं शाणा तो अगर वो और भी शाणा है तो दोस्तों आप क्या करोगे अब वो आपको और उल्लू बनाएगा वो कहेगा भाई मैंने क्या किया तीन भी दे दिया चार भी दे दिया पांच भी दे दिया क्योंकि इसका आंसर क्या था भाई इसका आंसर तीन चार पांच हो सकता था उसने क्या करा तीनों दे दिए अब क्या करोगे कुछ नहीं करेंगे सीधी बात दोस्तों यहाँ पर हमें अगर पता है कि छे का विपरीत निकालना है तो दोनों में कॉमन क्या बोले कुछ भी नहीं है लेकिन हमें यह पता है कि छे के बगल में दो है छ के बगल में एक है तो छ का विपरीत कभी भी एक और दो नहीं हो सकता तो छह का विपरीत क्या होगा बोले या तो तीन होगा या तो चार होगा या तो पांच होगा ऑप्शन से देखें तो भाई सब में तीन चार पांच तो दे ही दी गए तो क्या करोगे भाई सी एन डी लगा दोगे यानी कि निर्धारित नहीं कर सकते तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अब निर्धारित नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं नहीं कर पाएंगे अब मान लो दोस्तों आपका एग्जामिनर और अब डेढ़ शाणा निकला पहले शाणा था शाणा मतलब मैं तुमसे एक आंसर तो निकलवा के रहूंगा अब उसने क्या किया तीन भी दे दिया चार भी दे दिया पांच भी दे दिया और सी एन डी भी नहीं दिया यानी कि निर्धारित नहीं कर सकते वो भी नहीं दिया अब बताओ क्या करोगे तो बोले और दिमाग लगाते हैं तो चलो भाई दिमाग लगाते हैं इनमें कॉमन क्या है बोले कुछ भी नहीं है तो क्या नहीं हो सकता बोले दो नहीं हो सकता और एक नहीं हो सकता तो छे का विपरीत दो नहीं हो सकता कभी भी एक नहीं हो सकता लेकिन छ का विपरीत या तो तीन होगा या तो चार होगा अब या तो पांच होगा अब हम फंस गए क्योंकि दोस्तों हमारे पास तीन भी है चार भी है पांच भी है चलो एक तो हो ही नहीं सकता अब मुझे बताओ आप क्या आंसर लगाओगे तीन चार की पांच आप समझे मेरी बात को तो आंसर मतलब क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं एक ही क्वेश्चन को तीन तीन तरीके से हम पूछ सकते हैं ऑप्शन को अलग अलग करके ऐसे केस में दोस्तों आप हम सभी लोग फंस जाएंगे लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत बार आते हैं तो हम क्या करें ऐसे केस में ऐसी कंडीशन में अब मैं आपको बताता हूं अगर दोस्तों आप फंस चुके हो आपके पास आप कोई चारा नहीं है कि आप क्या आंसर लगाओ कोई चॉइस नहीं है तो आपको मैं तरीका बता रहा हूं ध्यान से सुनेगा सभी लोग ठीक है ठीक है बढ़िया सा तरीका बता रहा हूं देखो जब भी कभी ऐसी कंडीशन में आप फंस जाओ तो सिंपल एक काम करना हम दोस्तों ऐसे केस में मान लेते हैं यानी कि अज्यूम कर लेते हैं क्या मान लेते हैं अज्यूम कर लेना यानी कि मान लेना ऐसा दोस्तों मान लिया जाता है क्या मान लिया जाता है तो मान ये लिया जाता है कि जब भी कभी कोई रूल नहीं लग रहा है ऑप्शन से भी हम फंस चुके हैं हमें कोई ना कोई एक आंसर लगाना ही है तो हम क्या लगाएंगे तो माना जाता है दोस्तों कि ऊपर वाली जो सता है वो हमेशा ऊपर वाले के विपरीत मानी जाती है सामने वाली जो सत्ता है वो सामने वाले की विपरीत मानी जाती है और बगल वाली जो सत्ता है वो बगल वाले की विपरीत मानी जाती है यानी कि दोस्तों तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि यहां पर दो का विपरीत चार मान लिया जाएगा एक का विपरीत तीन मान लिया जाएगा और छह का विपरीत पांच मान लिया जाएगा और मान लिया जाएगा तो फिर मान लो आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि पांच हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा समझ में आ गया सभी लोगों को ठीक है होता क्या दोस्तों ये जो पासा है और ये जो पासा है फिर ऐसे मान लिया जाता है कि ये जो पासा है ना इसको ऐसे ऊपर पकड़ लो और ये जो पासा है इसको दोस्तों घुमा के दोनों को चिपका दो तो जब आप दोनों को चिपकाओगे तो ये इसके विपरीत आ जाएगा ये इसके और ये इसके ऐसे विपरीत हो जाता है नीचे की तरह से चिपक जाता है तो ऐसा मान लिया जाता है क्योंकि इसमें और कुछ भी हम नहीं कर सकते और ऑप्शन तो कुछ ना कुछ लगाना है क्लियर हो गया ठीक है कोई दिक्कत परेशानी नहीं है दोस्तों ये था बंद पासा यानी कि क्लोज पासा तो क्लोज पासा के जितनी भी टेक्निक थी रूल थे या फिर कुछ और कॉन्सेप्ट थे वो सारे मैंने आपको बता दिए इसके अलावा बंद पासे में कोई भी और कॉन्सेप्ट नहीं होता है बट एक चीज मेरी हमेशा याद रखना पासे के अंदर कि पासे में दोस्तों दो ही चीजें चलती हैं कि या तो कोई दो नंबर एक दूसरे के विपरीत होंगे और विपरीत नहीं है तो वो उसके बगल में होंगे क्योंकि पासे में दो के अलावा तीसरी कोई चीज होती नहीं है भाई या तो कोई किसी के बगल में होगा या उसके सामने होगा सीधी बात है तो बंद पासे के अगर आपको सारी टेक्निक रूल और कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो फटाफट से दोस्तों दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद ओपन पासा यानी कि खुला हुआ पासा पढ़ते हैं वो और भी इंटरेस्टिंग है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी कमरे स्क्रीन पर दोस्तों बीस सेकेंड का समय लेते हुए फटाफट से इसको करेंगे चलिए शुरू हो जाइए चलिए समय समाप्त आओ देख लेते हैं भाई क्या करना है इसके अंदर देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों बताइए कि कितने डॉट होंगे टू दोस्तों दो अगर नीचे होगा तो ऊपर में क्या होगा यानी कि दो के विपरीत पूछा जा रहा है तो दो के विपरीत पूछो भाई इसमें रूल लगाओ अब कौन सा रूल लगा सकते हैं देखो यहां पर हमारे पास दो है ये छह है ये तीन है ये एक है ये तीन है और ये पांच है ठीक है इसमें क्या लगेगा रूल नंबर वन लगेगा। क्यों दोनों में कॉमन क्या है बोले दोनों में कॉमन है हमारे पास केवल एक नंबर यानी कि तीन तो मैंने क्या बताया जो कॉमन है उसको एक के नीचे एक लिख लिया कॉमन से गए घड़ी की दिशा में छह मिला इधर से गए घड़ी की दिशा में दो मिला यहां से क्या घड़ी की दिशा में क्या मिला पांच और इधर से क्या घड़ी की दिशा में क्या मिला एक तो बताइए दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि जब दो डॉट्स ऊपर सॉरी नीचे होंगी तो ऊपर में क्या होगा तो दो के विपरीत क्या आएगा भाई एक आएगा तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा अब मैं आप लोगों को इसी के अंदर एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊं मतलब ट्रिक के अंदर भी एक ट्रिक बताऊं चलो देखो समझना मेरी बात ध्यान से हमेशा देखो मैंने आपको बोला था ना मैं इसका डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा आपको देखो समझना मेरी बात ये दो है ये छह है और ये तीन है ये एक है ये तीन था और ये पांच है सही है अब मुझे अच्छा एक बात सुनना हमने क्या किया हमने दोस्तों जो कॉमन था उसको लिख लिया कॉमन से गए घड़ी की दिशा में ये मिला कॉमन से गए घड़ी की दिशा में ये मिला तो आप दोस्तों इस तरीके से लिखने के बजाय ऐसे भी तो कर सकते थे क्या कि भाई इस वाले से आप घड़ी की दिशा में जाओ एक बार तो जो मिलेगा वो इस वाले से घड़ी की दिशा में जाने पे उसके विपरीत होगा क्योंकि भाई एक बार हम पहले ये वाला लिखते हैं फिर ये वाला लिखते हैं फिर हम ये वाला लिखते हैं ये वाला तो बात तो ये होगा ना इससे घड़ी की दिशा में जाओ जो मिले और इससे घड़ी की दिशा में जाओ जो मिले वो एक दूसरे के हमेशा विपरीत होता है तो ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं ठीक है और एक चीज और समझो इसके अंदर बहुत ध्यान से यहाँ पर मैंने जो नंबर कॉमन था उसको एक के नीचे एक लिखा अपने टेक्निक लगाई आंसर निकाल दिया बट यहां पर आप और भी जल्दी कर सकते थे कैसे ध्यान रखना कि जब भी कभी कॉमन वाला नंबर जब एक नंबर कॉमन होता है तब की बात कर रहा हूं जब भी कभी कॉमन वाला नंबर अगर कॉमन सतह पे होती है यानी कि सेम सता पे होता है ये देखो भाई तीन यहां पर है और यहां पर भी तीन यहां यानी कि दोनों की सतह क्या है? सेम है तो जब कॉमन वाला नंबर अगर एक ही यानी कि सेम सता पर होता है तो ऐसे केस में आपको कुछ भी नहीं करना सीधा सीधा उठा के आप बोल दोगे कि जब भी कॉमन वाला नंबर कॉमन सता पे होता है तो सेम सता वाले नंबर हमेशा एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं छे का विपरीत पांच हो जाएगा दो का विपरीत एक हो जाएगा ऊपर वाला ऊपर के विपरीत सामने वाला सामने के विपरीत और तीन के लिए बच गया चार तो चार विपरीत हो गया ये आप डायरेक्टली भी जल्दी कर सकते हो तो समझ में आया फिर से सुनो जब भी कॉमन नंबर कॉमन सतह पे आ जाए तो सेम सतह हमेशा अपोजिट हो जाएंगी आप वैसे भी देख सकते हो तीन से आगे छह और तीन से आगे पांच तो छे और पांच विपरीत हो गया सामने सामने वाले हो गए और यहां से आगे चलोगे दो यहां से आगे चलोगे एक तो एक और दो हो गए यानी ऊपर वाला ऊपर के सामने वाला सामने के आगे बात समझ में इसको याद रखना चलो अगला क्वेश्चन बीस सेकेंड फटाफट पड़ से आंसर सर साढ़े नौ बजे वाली क्लास का प्लेलिस्ट बनवा दीजिए ठीक है भाई बनवा देते सचिन पायलट साढ़े नौ पर दोस्तों आज रात में डेली बेसिस पर हम साढ़े नौ बजे एक दस पंद्रह बीस मिनट का एक सेशन ले रहे हैं शॉर्ट सेशन आप लोगों को शायद पता है नहीं पता है उस शॉर्ट सेशन के अंदर हम कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक या ऐसा कॉन्सेप्ट उठाते हैं जिसको हम 10-15 मिनट में समझ के उसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं तो काफी हिट जा रहा है काफी पसंद किया जा रहा है वो सेशन अगर आप भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो ठीक है डेली आप साढ़े नौ बजे आ सकते हो प्लेलिस्ट भी हम बनवा देंगे देखो क्या बोला जा रहा है कि अगर एक डॉट आपका नीचे है तो उसके विपरीत यानी कि दोस्तों एक के विपरीत पूछा जा रहा है तो एक के विपरीत क्या निकलेगा बोले देखो यहां पर पांच है यहां पर तीन है यहां पर चार है यहां पर छह है यहां पर तीन है और यहां पर दो है अभी अभी मैंने क्या बताया कि अगर कॉमन नंबर कॉमन सतह पे होगा तो दोस्तों सेम सतह विपरीत हो जाएंगी एक का विपरीत क्या होगा बोले सर देखो पांच का विपरीत तो छे हो गया और चार का विपरीत तो दो हो गया तो बचा क्या बोले बचा तीन और बचा एक तो आंसर क्या आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सॉरी माफी चाहूंगा ऑप्शन नंबर तीन हमारा करेक्ट आंसर है अच्छा अब और सुनो एक चीज बढ़िया वाली अब सुनना मेरी बात ध्यान से हमसे क्या पूछा था आपसे एक का विपरीत पूछा था अब देखो जो कॉमन नंबर होता है बहुत ध्यान से सुनना जो कॉमन संख्या होती है उस कॉमन के विपरीत हमेशा वह नंबर होता है जो दोनों पासों में छुपा हुआ है फिर से सुनो ध्यान से दोस्तों कॉमन के विपरीत हमेशा वह संख्या होती है विपरीत जो छुपी हुई होगी आप जरा देखो दोनों में कॉमन क्या है तीन और इसमें दोस्तों छुपा हुआ नंबर कौन सा है आप देखोगे भाई यहां पर छुपा हुआ कौन सा है एक और यहां पर भी दोस्तों ना तो यहां पर एक है ना तो यहां पर एक है बाकी सारी नंबर सामने हैं आप समझ रहे मेरी बात को तो यहां पर दोस्तों तीन का विपरीत हमेशा एक हो जाएगा क्यों क्योंकि दोस्तों दो विपरीत संख्या कभी भी ना तो एक साथ दिख सकती है ना ही कभी एक साथ छुप सकती है एक दिखेगी तो एक पीछे छुपी होगी ठीक है चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फटाफट से आ जाओ भाई बीस सेकेंड तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि बताइए कितने डॉट होंगे विपरीत विपरीत पांच के दोस्तों पांच के विपरीत बताओ ये दो है ये पांच है ये एक है ये दो है ये चार है और ये भी एक है कॉमन क्या है बोले सर कॉमन है दो और एक कॉमन है दो और एक तो रूल नंबर टू लगेगा और रूल टू के हिसाब से जो भी दो नंबर कॉमन होते हैं उसको छोड़कर जो भी नंबर बचते हैं वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत होते हैं तो आंसर कितना आएगा डी ऑप्शन यानी कि चार हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा अबे दो आंसर लगा रहे हो ढक्कन हो चार आंसर होगा ना रूल टू लगेगा इसके अंदर ठीक है रूल नंबर टू नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलो इसको लगाओ चलो इसमें कौन सा रूल लगेगा बोले सर इसमें तो कोई नंबर कॉमन ही नहीं है तो मैंने कहा कोई बात नहीं तो इसमें रूल लगेगा अज्यूम यानी कि मान लेना पड़ेगा क्या मान लेना पड़ेगा कि ऊपर वाला हमेशा ऊपर के विपरीत सामने वाला सामने के और बगल वाला बगल के तो पूछा क्या है पूछा है भैया दस के विपरीत बताओ दस का विपरीत क्या आ जाएगा बारह खत्म कहानी चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ चार के विपरीत संख्या क्या ज्ञात कीजिए चार के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए चार के अपोजिट कौन होगा देखो अब हमें दे दिए हैं तीन पासे कोई बात नहीं आप तीनों में से किसी भी दो को उठा लो जो आपकी मर्जी हो जिसमें आपको कोई नंबर कॉमन मिल रहा हो रूल वन चाहे रूल टू ये आपकी मर्जी है कोई ऐसा नहीं है कि आपको यही उठाना कि वो उठाना है आप कोई भी उठा लो रूल वन रूल टू उठाओ और उसको लगाओ ठीक है आओ देखो भाई ध्यान से दोस्तों रूल वन या रूल टू ठीक है हमें निकालना है चार के अगर दोस्तों मैं इसको उठाता हूं तो इसमें कोई रूल लग सकता है तो बोले सर इसमें पांच है और इसमें भी पांच है हाँ इसमें रूल वन लग सकता है मैंने कहा लगा देते हैं दोस्तों अगर मैं देखूं तो पांच के आगे जाएंगे तो छह मिलेगा पांच के आगे जाएंगे तो दो मिलेगा तो और छो विपरीत हो जाएंगे और छह से आगे दोस्तों एक मिलेगा और दो से आगे चार तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा चार हमसे पूछा था चार तो चार का आंसर हो जाएगा एक हमारे पास करेक्ट आंसर क्लियर हो गया खत्म कहानी और फिर ज्यादा इधर उधर की चीजें देखना भी नहीं है अगला प्रश्न अगला प्रश्न देखो भाई बीस सेकेंड में पांच के विपरीत संख्या का पता लगाएं पांच के विपरीत संख्या का पता या बचपन में अपन वो खेलते थे ना राजा बजीर चोर सिपाही कितने लोगों ने खेला राजा बजीर चोर सिपाही है राजा कहता है राजा कौन बोले मैं राजा मेरा वजीर कौन बोले मैं चोर सिपाही का पता लगाओ सबसे कठिन टास्क पूरी जिंदगी का वही होता था चोर सिपाही का पता लगाओ जो चोर होता था वो सिपाही जैसा लगता सिपाही होता था वो चोर जैसा लगता था हमारे साथ तो यही होता था जब भी हम देखते थे जिस इंसान को ये मुझे चोर दिख रहा है वो हमेशा सिपाही निकलता था सिपाही का चेहरा हमेशा चोर जैसा लगता था चलो यहां देखो पांच का विपरीत निकालो किसी भी दो ऐसे पासे को उठा लो जिनमें हम रूल लगा सकते हैं तो उसे काम करे इसी को उठा ले क्या उठा लो दोस्तों इसको अगर हम उठा ले तो इसमें कॉमन क्या है बोले इसमें सर कॉमन ही पांच है इसमें कॉमन ही पांच है और पांच कॉमन का, का विपरीत कौन होता है बोले कॉमन का विपरीत वही होता है जो छुपा हुआ है दोनों में क्या छुपा है बोले एक छुपा है तो आंसर कितना आ गया एक आ गया ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है आप चाहो तो कोई और उठा लो आपकी मर्जी है ठीक है आपको ये उठाना है आप ये उठा लो इन दोनों को उठा लो इन दोनों में कॉमन क्या है बोले दो कॉमन है और कॉमन नंबर अगर कॉमन सतह पे होता है तो सामने वाला सामने से बगल वाला बगल से तो पांच का विपरीत क्या हो जाएगा बोले एक हो जाएगा तब भी आंसर सेम आएगा ठीक है चलो एक और आ जाओ चलो यहां पर कहा जा रहा है कि बताइए ई e का विपरीत बताओ कोई भी ऐसे दो पासे उठा लो जिसमें रूल लग जाए इसको उठा लें उठा लो यहां पर सी और एफ दिख रहा है यहां पर भी सी और एफ दिख रहा है रूल टू रूल टू की मदद मतलब से ए का अपोजिट ई e हो जाएगा और ई e का अपोजिट ए e हो जाएगा तो ए हमारा करेक्ट आंसर आ गया सीधी बात खत्म कहानी आगे सुन सबको आगे सुन में ठीक है चलिए दोस्तों रूल नंबर वन या टू जो भी आपकी मर्जी हो आप वो लगा सकते हो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ठीक है इसको लगाओ यहां पर भाई अगर हम देखें तो बोला जा रहा है कि बताइए एन का विपरीत कौन होगा एन का विपरीत क्या होगा दोस्तों अगर मैं इसमें एन का विपरीत निकालू तो एन 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 का विपरीत निकालने के लिए मैं उठा लेता हूं किसी को भी मान लो मैं इसको उठा लेता हूं कॉमन क्या है बोले पी यहां भी कॉमन क्या है पी कॉमन वाला नंबर कॉमन सतह पे है तो भाई एन का विपरीत हमेशा क्या हो जाएगा हो हो जाएगा हो जाएगा जाएगा और का विपरीत तो आंसर आंसर बन यानी कि ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है क्लियर हो गया कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से ठीक है तो ये था दोस्तों डाइस का बंद पासा यानी कि क्लोज डाइस और क्लोज डाइस के क्वेश्चन टेक्निक सारी कुछ चीजें हमने कर ली इससे ऊपर जो मैं अभी आपको बताया इससे ऊपर आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं ओपन डाइस यानी कि खुला हुआ पासा खुला हुआ पासा कुछ इस तरीके से दिखता है बट जरूरी नहीं कि ऐसे दिखे और भी तरीके से दिख सकता है ठीक है खुला पासा दोस्तों और भी आसान होता है करने में लेकिन इसके क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे बन जाते हैं तो चलिए भाई ध्यान से करते हैं और स्टार्ट करते हैं देखो सबसे पहली बात दोस्तों एक खुला हुआ पासे में भी जो सतह यानी कि जो टोटल साइड होंगी वो छह ही होंगी क्योंकि पासे में भी होती है, तो यहां पर आप देख सकते हो बट जरूरी नहीं कि खुले पासे को हमेशा ऐसा ही खोला जाए दोस्तों पासा किसी भी प्रकार से खोला जा सकता है बस शर्त है कि उसमें छह साइड होनी चाहिए जैसे कि हो सकता है हम किसी पासे को इस तरीके से खोल सकते हैं मान लो हमने ऐसे खोल दिया एक दो तीन चार पांच छह या हो सकता है दोस्तों हम ऐसे खोल सकते हैं एक दो तीन चार पांच छह ऐसे खोल सकते हैं ने। या हो सकता है दोस्तों हम किसी और तरीके से खोल दें मतलब वो हम पे डिपेंड कर देगा कि भाई हम कैसे खोलना चाह रहे हैं ठीक है थीके? वो हम पे डिपेंड करेगा कि हम कैसे खोलना चाह रहे हैं हम कैसे भी खोल सकते हैं इट डिपेंड्स तो पासे को खोलने का कोई तरीका नहीं होता है कैसे भी उठा के खोल दो इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो करना जरूरी है और आज के लास्ट में यानी कि इसके क्लास के अंत में मैं आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि सबसे तगड़ा क्वेश्चन होगा जो कि मैक्सिमम लोग गलत भी कर देते हैं आज हम उसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कैसे होता है और वो भी दोस्तों मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा जिससे कि लाइफ में कभी आप फिर उसको गलत ना करो इस तरीके से प्रैक्टिकल करके मैं आपको उसको समझाऊंगा ठीक है चलिए भाई आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को दोस्तों ओपन पासा सबसे पहले तो बेसिक समझ लेते हैं कि एक खुले पासे में विपरीत निकलते कैसे हैं है ना देखिए दोस्तों यहां पर एक खुला पासा आपके सामने है अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई विपरीत निकाल के बताओ हर नंबर का विपरीत बताओ तो मेरा कहना क्या है आप हमेशा ऐसे नंबर को उठाइए जो चारों साइड से नंबर से घिरा हुआ है यानी कि जिसके आसपास ज्यादा नंबर हैं उसको उठाओ और उसका विपरीत निकालने की कोशिश करो सबसे पहली चीज मुझे एक बात बताओ इसके अंदर कौन सा नंबर है जो सर साइड से घिरा हुआ है तो आप कहोगे भाई दो हमें ऐसा नंबर दिख रहा है जो कि हर साइड से घिरा हुआ है. है अच्छा मुझे एक बात और बताओ दोस्तों दो जो आपको दिख रहा है हर साइड से घिरा हुआ इसके विपरीत अगर मुझे निकालना है तो इसकी टेक्निक क्या होगी टेक्निक सिंपल सी ये है कि भाई ये जो होते हैं इसको कहते किनारे ये क्या है किनारे ये भी किनारा है ये भी किनारा है और हम सभी लोगों को पता है दोस्तों किनारों से जो भी सतह जुड़ी होती है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती आप जिस कमरे में बैठे हो वो भी एक क्यूब है एक पासा ही है अगर आप उसके किनारे देखोगे तो किनारे से जो भी सतह आके जुड़ रही होंगी वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी वो हमेशा एक दूसरे के बगल में होंगी अगर आप देखोगे दोस्तों ये जो साइड है और ये जो साइड है ये इस किनारे से जुड़ी हुई है और जब इसको बंद करोगे तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे से चिपकी रहेंगी तो आपको ये चीज समझना है कि भाई किनारे से जो भी साइड चिपकी होती है वो हमेशा एक दूसरे के बगल में होती है वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती और दूसरी चीज हमें समझना है कि कोने से जो भी साइड चिपकी होती है वो भी कभी एक दूसरे के विपरीत हो सकती कोने से है ना कॉर्नर से भी आप जिस कमरे में बैठे हो वहां पर अगर किसी भी कोने को आप देखो तो वहां से देखना हमेशा तीन साइड आके चिपक रही होंगी तो कोने से भी जो साइड चिपकी होंगी वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ मिली हुई है यानी कि वो उसके बगल में है तो ध्यान रखना दोस्तों कोने अब ये चीज मैं जो बता रहा हूं आप कह रहे हो सर ये तो बहुत ही मतलब क्या सेंस है इस बात का अभी आपको आगे जब क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी तो इसी पॉइंट से ही हम क्वेश्चन को निकाल पाएंगे तो ये चीज समझना जरूरी है कि भाई यहां पर कोने वाले जो सतह होती हैं वो कभी भी दूसरे से विपरीत नहीं हो सकती और बगल वाली यानी कि किनारे वाली ठीक अब मुझे देखो बताओ दोस्तों दो के विपरीत कौन कौन नहीं हो सकता बोले देखो दो के विपरीत में ये चिपका हुआ है ये चिपका हुआ है ये चिपका ये चिपका यानी कि ना तो एक ना तो चार ना तो तीन ना तो पांच तो बचा क्या बोले बचा केवल छे तो यहां से हमें मिला कि दो के विपरीत हमेशा क्या होगा छ होगा बात सही है ठीक अब मुझे एक बात बताओ अगर मैं बोलू आपसे कि बताइए जरा पांच के विपरीत कौन होगा तो आप कहोगे देखो पांच के बगल में ये चिपका हुआ है और पांच के बगल में ये चिपका है तो ये दोनों तो विपरीत नहीं हो सकते पांच के और पांच के दोस्तों कोने से चिपका हुआ एक तो ये भी नहीं होगा और पांच के कोने से तीन भी चिपका तो ये भी नहीं होगा तो बचा क्या आपके लिए दोस्तों केवल चार तो पांच का विपरीत क्या हो गया चार हो गया तो अच्छा मुझे एक बात बताओ जब दो का विपरीत छ हो गया और पांच का चार हो गया तो बचा क्या फिर बचा दोस्तों एक और तीन तो एक का विपरीत क्या हो गया तीन हो गया तो ये निकला है हमारे पास सारे के सारे विपरीत अब यहीं से हम एक डायरेक्ट ट्रिक बना लेते हैं क्या ट्रिक बना लेते हैं कि खुले हुए पासे में अगर हमें विपरीत निकालने हैं तो खुले हुए पासे के विपरीत हम हमेशा ऐसे निकाल सकते हैं कि दोस्तों एक छोड़कर एक यानी कि ऑल्टरनेट इस शब्द को याद रखना एक छोड़कर एक यानी कि ऑल्टरनेट यानी कि चार में अगर दोस्तों बोले कि क्या विपरीत होगा तो चार में एक छोड़कर ऑल्टरनेट यानी एक छोड़कर वाला हमेशा विपरीत अगर मैं बोलू दो का विपरीत कौन होगा तो बोले एक छोड़कर एक यानी कि छह विपरीत होगा और एक का विपरीत कौन होगा बोले एक छोड़कर यानी कि तीन तो ये इसकी डायरेक्ट ट्रिक बन गई और कैसे बनी बिल्कुल ऐसे बनी तो हमेशा ध्यान रखना एक खुले हुए पासे में एक छोड़कर है ना एक छोड़कर नंबर हमेशा नहीं ऑल्टरनेट वाला नंबर विपरीत मान लिया जाता है ये क्लियर हो गया सभी लोगों को पक्की बात है तो अगर बस इतना ही है खुले हुए पासे में बस इतनी चीजें हैं लेकिन इसके क्वेश्चन अच्छे बनते हैं तो आइए कुछ क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने आया मैं आप लोगों को तीस सेकंड दे रहा हूं फटाफट से आंसर लगाना सभी लोग चलो जल्दी से बताओ अगर इस पासे को बंद करेंगे तो इनमें से कौन सा पासा बनेगा पासे को बंद करने पर इनमें से कौन सा पासा बनेगा जल्दी से सभी लोग फटाफट से बताइएगा और एक बार में बताना सही हम्म चलो भाई आया तो आंसर दोस्तों काफी लोगों का आ गया है अब देखते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं ना देखो मैंने अभी आपको टेक्निक बताई कि भाई एक छोड़कर एक हमेशा विपरीत होता है हम्म तो सो बताओ एट द रेट का विपरीत हमेशा क्या होगा हैश होगा अच्छा ये ट्राइंगल का विपरीत यानी डेल्टा का विपरीत क्या होगा हमेशा डॉलर होगा और दोस्तों ये परसेंट का विपरीत हमेशा क्या होगा तो बोले हमेशा ये कॉपीराइट होगा और हमें पता है कि जो विपरीत होते हैं वो कभी भी बगल में नहीं देख सकते और अगर बगल में दिख रहे हैं तो फिर वो विपरीत नहीं है दोस्तों एट द रेट और हैश हमेशा अगर एक दूसरे के विपरीत होगा इसको बंद करने पर तो ये कभी भी बगल में नहीं दिख सकता अगर डेल्टा यानी ट्राइंगल और डॉलर एक दूसरे के विपरीत है तो ये कभी भी दोस्तों इसके बगल में नहीं दिख सकता और परसेंट और कॉपीराइट अगर एक दूसरे के दोस्तों विपरीत है तो परसेंट और कॉपीराइट कभी भी एक दूसरे के बगल में नहीं दिख सकता तो आंसर बनेगा इसका चार यानी कि इस पासे को बंद करने पर हमेशा ये फिगर हमें मिलने वाला है ये बात क्लियर होगी सभी को ठीक है आ जाओ अभी चलो इसको लगाओ जरा जल्दी से आप मुझे बताइए कि एक के विपरीत कौन मिल सकता है एक के विपरीत कौन मिल सकता है एक के विपरीत कौन सा नंबर मिल सकता है अब देखो भाई यहां पर दोस्तों आपका जो वो टेक्निक है ना एक छोड़कर एक वो इसमें फेल हो जाएगी मतलब पूरी तरीके से काम नहीं करेगी अब जैसे कि आप कहोगे सर तीन का विपरीत चलो चार मिल गया एक छोड़कर एक तो तीन का अपोजिट तो हमारे पास चार हो गया ठीक बनी बात है लेकिन अब फंस गए अब दोस्तों दो का विपरीत कैसे निकालोगे बोले एक छोड़कर एक बनेगा नहीं पांच का एक छोड़कर बनेगा नहीं छह का बनेगा नहीं तो अब याद करो वो टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी क्या कि भाई किनारे वाले कभी बगल में विपरीत नहीं होते और कोने वाले भी विपरीत नहीं होते है ना तो अच्छा मुझे एक बात बताइए सभी लोग ध्यान से सोच समझ के कि अगर मैं दो की बात करूं तो दो के किनारे से ये जुड़ा है ये भी कभी इसके विपरीत नहीं है इसके किनारे से जो ये भी विपरीत नहीं है ये भी इसके विपरीत नहीं और कोने से जो मिले हुए होते हैं कोने से दो और पांच मिला है ये भी इसके विपरीत नहीं होगा तो बचा क्या दो के लिए केवल छह तो दो का विपरीत क्या हो जाएगा छ हो जाएगा अब दोस्तों केवल हमारे पास दो नंबर बच गए हैं एक एक बच गया एक पांच बच गया तो एक का विपरीत हमेशा पांच होगा तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि पांच आगे हम सबको पक्की बात चलो आ जाओ भाई इसका आंसर लगाओ सभी लोग जल्दी से देखे जरा और उसके बाद इस, इस टॉपिक का यानी कि ओपन वाले पासे के टॉपिक का एक बहुत बेहतरीन सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा भी गया है उसको मैं कराऊंगा लास्ट में एक प्रैक्टिकल करके सामने इस तरीके से ठीक है वो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है अब देखो क्या कह रहा है कह रहे दोस्तों इस पासे को बंद करने पर कौन कौन सा आंसर मिल सकता है तो एक बात बताओ अगर इस पासे को बंद करोगे तो बंद करने पर हम विपरीत निकाल लें कि कौन कौन विपरीत होंगे तो जब बंद करोगे तो एक का विपरीत हमेशा चार बैठेगा पांच का विपरीत हमेशा दो बैठेगा और छह का विपरीत क्या बच गया बोले तीन बच गया तो इसको आप कर दो विपरीत अच्छा जो विपरीत होते हैं वो कभी भी बंद होने पर बगल में नहीं देख सकते एक और चार दोस्तों विपरीत हैं तो फिर बगल में कैसे आ गया हटाओ उसको पांच और दो विपरीत हैं पांच और दो पांच और दो पांच और दो हटाओ ठीक है तीन छ विपरीत हैं देखो भाई तीन छ बगल में कैसे आ गया हटाओ उसको ये देखो भाई तीन छ बगल में कैसे आ गया हटाओ उसको तो आंसर क्या बचेगा सी तो ओनली ऑप्शन नंबर एक यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या ये बात समय सबको क्लियर हुआ इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ठीक है अब देखो एक और देखो एक पासा है इसको बंद करो बंद करके बताओ कौन कौन से आंसर बन सकते हैं चलिए तो भाई देखो भाई सबसे पहले एक का विपरीत दो आ गया एक छोड़कर एक तीन का चार हो गया एक छोड़कर एक तो बचा दोस्तों पांच का छ तो पांच और छह विपरीत और जो विपरीत होते हैं वो कभी भी एक बगल में नहीं देख सकते है ना तो एक का विपरीत अगर दो है तो बगल में नहीं आ सकता बगल में नहीं आ सकता बगल ये देखो बगल में आ गया हटा उसको तीन का चार आएगा तीन का चार दोस्तों कभी बगल में नहीं आ सकता तीन का चार तीन का चार ठीक है और पांच का छह नहीं आंसर ये देखो भाई पांच का छे बगल में बेटा हटाओ उसको आंसर क्या बनेगा बी यानी कि ओनली टू इज द करेक्ट आंसर बी यानी कि ओनली टू इज द करेक्ट आंसर आगे बचाओ सबको पक्की बात है चलो पक्की बात है आ जाओ भाई आ गया वो क्वेश्चन जिसका हमें इंतजार था सबसे पहले तो अच्छा मुझे बताओ जल्दी से वीडियो को लाइक करके बताओ अभी तक जितने भी लोग देख रहे हो हजार के हजार कर दो एक बार कोई बुराई नहीं है बंद पासा समझ में आ गया ओपन पासा समझ में आ गया ओपन पासे में इससे ज्यादा कभी कुछ ना पूछा ना पूछा जाएगा लेकिन हाँ एक चीज मैं बताऊं ये दोस्तों ए एल के माध्यम से मैंने अभी तक पढ़ा दी यानी कि ए एल के हिसाब से अगर देखें तो ये आपका पूरा इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया लेकिन हाँ पासे में दोस्तों अगर देखें तो अभी क्वेश्चन के लेवल बहुत है तो क्वेश्चन के जो लेवल है वो जो है वो मैंने आपको पूरा का पूरा फाउंडेशन में पढ़ाया हुआ है लेकिन हाँ ये जो बैच है ये ए एल के हिसाब से तो ए एल के माध्यम से इससे ज्यादा कभी एग्जाम में आपके आएगा नहीं हाँ, एक चीज और आप, आप कहोगे सर तो क्या आपने कुछ छोड़ दिया कुछ ऐसा है जो हमसे छुपा लिया नहीं कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा दिया कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं करी ट्रिक्स में कोई कमी नहीं करी टेक्निक में कोई कमी नहीं करी हां क्वेश्चंस के लेवल हो सकते हैं क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग लेवल के होते हैं तो उनको कैसे करना है वो चीजें यहां पर हमने नहीं कराई क्योंकि ई के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कंप्लीट है हाँ, ये एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा गया है अगर आपको इससे ज्यादा और पढ़ने की चाहत है किसी को लगता है देखो यूपीएससीट में भी कुछ अच्छा लेवल आता है है ना कभी कभी एसएससी में अगर हम देखें तो तो लेवल ऊपर हो जाता है तो उस माध्यम से हमने अपने फाउंडेशन में वहां पर पढ़ाया हुआ है रेलवे एल के माध्यम से मोर देन सफिशियंट है इससे ज्यादा कुछ नहीं आना फिर भी आप अगर पढ़ने के इच्छुक है तो आप पढ़ सकते हैं ठीक है अब देखो भाई यहां पर ध्यान से अब मैंने यहां पर आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं और समय दे रहा हूं दोस्तों तीस सेकेंड का तो आप मुझे अब बताना सभी लोग फटाफट से फटाफट से कि इसका आंसर क्या होगा एक चालीस सेकंड का टाइमर है ये एक पासा है इसको दोस्तों बंद करो और बंद करके बताओ कि कौन सा आंसर बन सकता है समय चालीस वैसे मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सही आंसर दोगे गलत तो कोई नहीं कर क्या बात है भाई आंसर तो सही सही दे दिया सभी ने वेरी गुड बहुत बढ़िया वेरी गुड मजा आ दिया आपने वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 99.9% परसेंट आंसर दोस्तों आप सभी लोगों ने दे दिया है वेरी गुड और 99.9% परसेंट यानी कि पूरी की पूरी क्लास का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर डी जो कि मुझे उम्मीद भी थी कि आप करोगे और दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वेरी गुड मजा दिया आप लोगों ने डी कभी भी हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन का आंसर डी कभी भी हो ही नहीं सकता होगा नहीं मैं कह रहा हूं हो ही नहीं सकता अब आप सोचो 99.9% गलत कैसे हो सकते हैं हो सकते हैं गलत आपकी गलती नहीं है गलती उस चीज की है कि जिसने जहां से आपने पढ़ा जिसने आपको पढ़ाया हमें पता है ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में आ चुका है इसलिए इसको पढ़ाया भी बहुत बार जाता है और आपने भी पढ़ा होगा और आपने अगर इसको पढ़ा होगा तो आपने मुझे पता है आपने क्या पढ़ा होगा जो लोग पढ़े हैं हमसे वो जानते हैं इसका आंसर कैसे निकालना है लेकिन जिनको नहीं पता आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताऊंगा दोस्तों कि आप भी मजबूर हो जाओगे अब देखो मैं बताता हूं सुनना बड़े ध्यान से चलो अब अब कहानी शुरू होती है यहां से ठीक अब आप हर एक चीज में मेरे हामी भरोगे हाँ हाँ ये तो ठीक है अब सुनो ध्यान से ये जो पासा दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं मुझे बताओ क्या ये पासा बिल्कुल यही पासा है जो आपके सामने देखो जरा यहां पर ए है देखो आपके भी ऊपर ए है ये सी है ये बी है ये डी है ठीक है उसके बाद एक दो पांच ये देखो एक दो पांच और चार दो तीन चार दो तीन बिल्कुल सेम है कोई दिक्कत तो नहीं किसी को दिख रहा है सभी को ये पासा ठीक है कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो ये सेम पासा दोस्तों हमने यहां पर बना दिया ठीक है और इस सेम पासे को बनाकर अब आपको मैं प्रैक्टिकली प्रूव करूंगा कि इसका आंसर डी कभी भी क्यों नहीं हो सकता चलिए फिलहाल एक काम करते हैं कि इसका आंसर दोस्तों एबीसी में से कौन से और नहीं हो सकते हैं पहले वो देख लें तो अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जब दोस्तों इस पासे को बंद करोगे तो जब बंद करोगे तो ए का विपरीत हमेशा सी बैठेगा बात सही है ना ए का विपरीत हमेशा सी बैठेगा और डी का विपरीत हमेशा बी बैठेगा तो डी और बी दोस्तों ऐसे आ जाएंगे A और ए और सी ऐसे आ जाएंगे तो ए और सी हमेशा एक दूसरे के विपरीत आने चाहिए और डी और बी हमेशा एक दूसरे के विपरीत आने चाहिए बात मानते हो दोस्तों यहां पर अगर देखोगे तो ए और सी बगल में आ गए तो आप कहोगे भाई ये भी आंसर नहीं हो सकता और यहां पर आप देखोगे तो ए और सी देखो बगल में आ गए ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो विपरीत आने चाहिए तो ये तो खैर बनी सी बात थी कि भाई बी और सी नहीं हो सकते लेकिन डी और ए में दोस्तों मैंने कह दिया कि डी भी नहीं हो सकता आओ आप समझते हैं कि भाई डी क्यों नहीं हो सकता ठीक है चलो देखो आपने क्यों आंसर लगाया डी हमें पता है देखो यहां पर दोस्तों आपने देखा कि ए ऊपर था बी यहां पर है सी यहां पर है डी यहां पर है ए ऊपर है बी यहां पर है सी यहां पर है डी यहां पर है आपने इस पासे को बंद कर दिया और जैसे ही दोस्तों आपने इस पासे को बंद किया तो बंद करने के बाद में ये ए था ना बंद करने के बाद में ये ए आ गया ए के बाद में बी आ गया बी के बाद में सी और सी के बाद में डी ये तो हुआ है तो जब दोस्तों हमने इस पासे को बंद किया और बंद करने के बाद आपसे जब पूछा तो भाई आपने बोला सर ये ए था था ये था, ये ये बी तो सी और डी तो ए से बी बी से सी सी और से डी कैसा चला बोले घड़ी की दिशा में तो बंद करने पर घड़ी की दिशा में आ रहा है बोले सर ये देखो घड़ी की दिशा में है तो बंद करने पर भी घड़ी की दिशा में आएगा तो बोले ए से बी बी से C, C, तो आ रहा है सर आप भी वही कह रहे हो फिर भी हमारा गलत कर रहे हो दोस्तों तो यहां पर आप मुझे जरा एक चीज बताओ जब आपने इस पासे को बंद कर दिया तो ए से बी बी से सी सी से डी तो आपने कर दिया लेकिन इस पासे को बंद कर देने के बाद में आप बताओ आपको एबीसी दिख कहां रहा है वन टू थ्री कहां दिख रहा है आपको कहां दिख रहा है बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कुछ समझ में आया पासे को जब भी कभी दोस्तों आप इस तरीके से बंद करोगे तो उसके सारे के सारे नंबर अंदर की तरफ छुप जाएंगे और आप बताओ जब भी आप पासे को बंद करते हो तो ऑप्शंस में या जब भी कभी देखोगे तो हमेशा नंबर्स तो आपको सामने दिखाई देते हैं ना मतलब कि पासे को दोस्तों कभी भी इस तरीके से बंद किया ही नहीं जाता पासे को अगर आप ऐसे बंद करोगे तो सारे नंबर कहां हो गए अंदर यानी कि जो विजिबल सरफेस है प्रिंटेड सरफेस है वो अंदर की तरफ दोस्तों छुप गया और जब वो छुप गया तो आप बाहर से कोई भी नंबर कभी देख ही नहीं सकते आप बता ही नहीं पाओगे कि कौन किसका विपरीत है तो पासे को बंद करने का यह गलत तरीका होता है तो अब देखो भाई सही तरीका क्या है सुनना ध्यान से ये दोस्तों ए है ये बी है ये सी है ये डी है हमने कोई जादू तो नहीं करा यहां पर अभी सब वही है सब सेम है आप खुद से भी करके देख लेना इस पासे को दोस्तों हमेशा उस तरफ फोल्ड किया जाता है जहां पर नंबर नहीं है यानी कि दोस्तों अंदर की तरफ फोल्ड ना करते हुए क्योंकि अंदर छुप जाएगा सब हम बाहर की तरफ फोल्ड करते हैं यानी कि ऐसे फोल्ड करते हैं इस तरीके से तो जब दोस्तों इस पास है। को देखो हमने कोई जादू नहीं कर रहे हम फिर बता रहे जादू कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें देखो ये बी है ये सी है ये डी और ये ए है हमने इसको बंद कर दिया ऐसे 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 बंद कर दिया और बंद करने पर दोस्तों सारे के सारे जो आपके ए बी सी थे सब यही के हो गए और सब कुछ देखो आपको सामने दिख रहा है सब दिख रहा है आप सामने अब इसको हम घुमा देते हैं ऐसे ये घुमा दिया दोस्तों मैंने ऐसे घुमा दिया अब घुमाने के बाद जरा सभी लोग ध्यान से देखो अगर देख पा रहे हो तो दोस्तों ए कहां है आपका अब ये मत देखे ना सर ए उल्टा है कि सीधा है वो तो प्रिंटेड है, तो 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 है बट ये जो जगह नहीं कि ए हमेशा सीधा देखे, ए पेड़ा कैसा भी दिख सकता है उससे कोई मतलब नहीं है अब जब दोस्तों हमने इसको घुमा के बंद किया तो आप देखो ए यहां पर ऊपर बी कहा है इधर सी कहा है नीचे और डी कहां है यहां जरा दोस्तों इसका डायरेक्शन देखो तो आप देखोगे कि ए से बी से बी बी से बी बी से, A से, B, B से C, 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 D कैसा चला गया घड़ी की विपरीत दिशा में चला गया तो जब आप इसको दोस्तों बंद करोगे तो बंद करने पर हमेशा से बी बी से डी घड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा और इसको कहते हैं फोल्ड करने का सही तरीका सब कुछ दिख रहा सामने तो इस वजह से इसका आंसर कभी भी ये नहीं हो सकता कौन सा होगा A से बी सी से और C से यानी कि ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आंसर होगा। इसका कभी भी डी नहीं हो सकता और 99 परसेंट लोगों ने क्या लगाया वही लगाया क्यों लगाया इसीलिए कहता हूं सही पढ़ो सही जगह से पढ़ो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो दोस्तों कई बुक्स में भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है क्योंकि कॉन्सेप्ट की नॉलेज ना होने की वजह से गलतियां हो जाती हैं गलतियां होना संभावना है भाई ऐसे नहीं कि नहीं हो सकती संभावित किसी से भी गलती हो सकती है तो ध्यान रखिएगा पासे को दोस्तों हमेशा ऐसे बंद करना है बाहर की तरफ तभी आपको पूरा का पूरा प्रिंटेड सरफेस दिखेगा और जब दिखेगा तो आप खुद देख लोगे कि ए से भी उल्टा तो आपको क्या समझ में आया समझ में दोस्तों हमेशा ये आया कि जब भी कभी ध्यान रखना जब भी कभी अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर ए से बी बी से सी सी से डी अगर घड़ी की दिशा में जाएगा तो हमारा आंसर हमेशा उसका उल्टा होगा यानी कि A से बी बी से C और C से घड़ी की विपरीत दिशा में होगा और अगर यहां पर क्वेश्चन में दोस्तों से B, B से C, C से घड़ी की विपरीत दिशा में होता तो हमारा आंसर घड़ी की दिशा वाला होता यानी कि जस्ट उसका उल्टा होता यह बात समझ में आ गई सभी लोगों को तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका आंसर कभी डी नहीं हो सकता ठीक है सर एग्जाम में दो बार आया हूं सर इसमें भी डी आंसर करेक्ट था मुझे पता है एग्जामिनेशन के वजह से ही मैक्सिमम टीचर्स इसका आंसर डी लगवाते हैं हमें पता है तो देखो सबसे पहली बात अगर आप ये कह रहे हो सर एग्जाम में इसका आंसर ये था और आप ये कह लो सर एग्जाम में अगर ये तो फिर तो यही मानेंगे देखो अब ये थोड़ी सी एक पागलपनी से बात होती है कि हम कॉन्सेप्ट को नकार के एग्जामिनेशन बोर्ड को सही मान ले आप मुझे बताओ क्या रेलवे एस के कभी आपने क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कभी क्लेम नहीं किया क्या रेलवे एसएससी ने कभी क्वेश्चंस गलत नहीं करे बिल्कुल करे रेलवे एसएससी में क्वेश्चन बनाने वाले लोग भी हमारे आपके जैसे लोग ही हैं उनने भी रीजनिंग पढ़ी है अब उनको जितनी समझ जितनी नॉलेज उनने लगा दिया आप समझ ना मेरी बात को बेटा ये चीज ऐसी चीजें हैं कि इसको कॉन्सेप्ट कहते हैं ये कॉन्सेप्ट हर किसी को नहीं पता और जिसको पता नहीं वो हमेशा वही लगवाता है जो एग्जाम ने किया क्योंकि वो कभी एग्जाम के विरुद्ध नहीं जाना चाहता हम कॉन्सेप्ट के विरुद्ध कभी नहीं जाते हम एग्जाम के विरुद्ध जा सकते हैं किसी टीचर के विरुद्ध जा सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट के विरुद्ध नहीं क्योंकि दोस्तों कॉन्सेप्ट के विरुद्ध जाना इसका मतलब हम फिर अच्छे टीचर नहीं है हमने फिर वो चीजें पढ़ी नहीं हमने अगर कुछ चीजें पढ़ी हैं तो उसको सही पढ़ना चाहिए है ना गलत चीजें पढ़ाना या गलत चीजें समझाने का मतलब नहीं है बहुत बार अभी तो आप जब आगे हमसे और मिलोगे एन में रेलवे ग्रुप डी में तो उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो रेलवे ने गलत करके बैठे हैं उन्होंने गलत आंसर टिक करे जबकि आपको भी पता है कि उसका आंसर क्या है, तो रेलवे से या एसएससी से किसी से भी गलतियां हो सकती हैं, है। तो सही, सही है ठीक है खैर अलग बात होती है कि भाई रेलवे क्या लगा रहा है एसएससी क्या लगा रहा वो भी चेंज करेंगे आप उसकी टेंशन लो जब ऑब्जेक्शन रेस करते हैं तो चेंज करना पड़ता है खैर फिलहाल दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दैट इज द करेक्ट आंसर आई होप कि आप समझ गए होंगे जो भी मैंने आपको पढ़ाया अगर दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं और समझ में आ गई और पढ़ाई कर और बढ़िया तरीके से सीख लिया तो ओपन डाइस और क्लोज डाइस के अंदर यही सारी चीजें थी यही सारा कॉन्सेप्ट था यही सारी टेक्निक्स थी अगर अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे मैं आपको फिर बता दूसरे ये रीजनिंग का पूरा सिलेबस है फुल सिलेबस ए का सिलेबस इससे कम है ये है वो सिलेबस जो कि आपके एल पी एन ग्रुप डी सब कुछ कवर करेगा क्योंकि लेकिन अगर आपको बैच तो तो आप जहां पर बैच चालू हालत में है डेमो क्लास अवेलेबल है फ्री डेमो क्लास अगर आपको ये फीस नहीं भरनी तो बिल्कुल मत भरिए आप लोगों को एक कोड दिया जाएगा कूपन कोड एप्लीकेशन पर उसको लगा देना फीस कम हो जाएगी इस बैच से आपके ये सारे के सारे एग्जाम्स क्लियर होंगे पूरा का पूरा सिलेबस क्लियर होगा बेसिक्स एडवांस सीबीटी वन सीबीटी टू एक साल की वैलिडिटी है और अगर आप लोग दोस्तों चाहते हो कि हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ें तो मैथ्स रीजनिंग और जीके जी आप पढ़ सकते हो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं एक साल की वैलिडिटी ये फीस नहीं दे दी बिल्कुल मत दो एक कोड मिलेगा आपको वो कोड लगा देना कूपन कोड जब आप एप्लीकेशन पर जाते हो एप्लीकेशन कौन सा आपको जाना है अच्छा ये भी एक बैच है जहां पर आपको सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ाया जा रहा है कंप्लीट रीजनिंग का फाउंडेशन बैच ये दोस्तों एप्लीकेशन है क्विक ट्रिक्स वाई सर यूट्यूब सॉरी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है आप पेड कोर्सेज में जाके बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो ठीक है कोई दिक्कत समस्या आए तो आप वहां पर कमेंट्स वगैरह भी करके अपने डाउट्स वगैरह सब कुछ पूछ सकते हो कैसा लगा वीडियो दोस्तों बताना जरूर तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में अगली क्लास में दोस्तों हो सकता है या तो कोई एक नया चैप्टर कराए लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक क्लास पासे की और अगर मार ली जाए जिसमें क्वेश्चन क्वेश्चन कर लिए जाए तो शायद हमारी तैयारी और डबल हो जाएगी है ना तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि एक अगली क्लास पासे की ही आप लोगों की प्रैक्टिस क्लास लगा दी जाए और अगर वो प्रैक्टिस क्लास प्रीवियस ईयर के पेपर की हो जाए तब तो फिर और भी मजा आ जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि रेलवे और एसएससी में आए हुए जितने भी के के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको उठाकर लेकर आता हूं अगली क्लास में और उसको हम कर लें और फिर हम एक नया चैप्टर पढ़ लेंगे ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा बाकी शाम को मिलते हैं छह बजे सी टी आर कैस द रीजनिंग में यहां पर पूरी की पूरी रीजनिंग का एक मिक्स मॉक टेस्ट हम लगा रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं यूट्यूब चैनल क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पे ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच टेक केयर जय हिंद ध्यान रखिए अपना